नमस्कार, मैं उप्रिया, बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। चले जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। बिहार में 7200 करोड़ की लागत से बनेगा पहला फोर लेन एक्सप्रेसवे। बिहार का पहला फोर लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे औरंगाबाद से पटना होकर दरभंगा तक बनाया जाएगा। इसके बनने से राज्य के किसी भी हिस्से में पटना 4 घंटे में पहुंचना आसान होगा। लगभग 7200 करोड़ रुपए की लागत से 205 किलोमीटर की लंबाई में इस एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए औरंगाबाद से पटना के बीच भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है, जिसका निर्माण मार्च 2021 तक शुरू होने और लगभग 30 महीने में पूरा होने की संभावना जताई गई है। इसके बनने से राज्य के किसी भी हिस्से में पटना 4 घंटे में पहुंचना आसान होगा। लगभग 7200 करोड़ रुपए की लागत से 205 किलोमीटर की लंबाई में इस एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए औरंगाबाद से पटना के बीच भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है, जिसका निर्माण मार्च 2021 तक शुरू होने पर लगभग 30 महीने में पूरा होने की संभावना जताई गई है। उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाली इस सड़क में पटना का गया और दरभंगा एयरपोर्ट से सीधा संपर्क हो जाएगा। इसी के साथ इसका संपर्क जीटी रोड से भी हो जाएगा। इसी के साथ इस सड़क में 80% ग्रीन फील्ड रखा गया है, यानी कि इस कॉरिडोर में 80% नई सड़क होगी। महंगी हो सकती है बिजली, बिजली उपभोक्ताओं की जेब बढ़ी हुई हो सकती है। मेरी जानकारी के अनुसार 1 अप्रैल 2021 से भी महंगी हो सकती है। इसके लिए 10-20% तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव बिजली कंपनी तैयार कर रही है। अधिकारियों के अनुसार 30 नवम्बर तक वित्त वर्ष 2021-22 और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी प्रस्ताव जमा करने वाली है। अभी तक प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। प्रस्ताव देने की अंतिम तारीख 15 नवंबर थी, लेकिन प्रस्ताव तैयार नहीं होने के कारण बिजली कंपनी ने 15 दिन का अतिरिक्त समय देने का अनुरोध किया है। मेवालाल के बाद नीतीश के एक और मंत्री आए तेजस्वी के निशाने पर। बिहार चुनाव 2020 रिजल्ट में बेईमानी का आरोप लगाने वाले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पहले जहां मेवालाल चौधरी को लेकर बयानबाजी की थी, वहीं अब उन्होंने नीतीश कुमार के एक मंत्री को निशाने पर लिया है, जिसके तहत अब तेजस्वी यादव के निशाने पर अशोक चौधरी है, जिसके तहत उन्होंने आज सुबह सुबह अशोक चौधरी पर निशाना साधते हुए एक खबर को शेयर करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि साहित्यिक चोरी के दोषी मुख्यमंत्री माननीय नीतीश जी के मुकुट मणि, जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष और मंत्री श्री अशोक चौधरी की पत्नी पर बैंक से करोड़ों की धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप है। सीबीआई जांच कर रही है, कोर्ट में मामला लंबित है, इनकी निशक्त पट्टा देखिए। कहते हैं बीवी का भ्रष्टाचार नॉट अ बिग डील। दरअसल मीडिया हाउस से बातचीत के दौरान अशोक चौधरी ने अपनी बीवी पर लगाए गए आरोप के सवाल पर जवाब देते हुए कहा था, व्हाट्स अ बिग डील अबाउट इट, हमारा पक्ष सुना ही नहीं गया। बिहार में धान खरीदारी के लक्ष्य को प्राप्त करना सरकार के लिए चुनौती। धान खरीद के लिए लक्ष्य के करीब पहुंचना बिहार सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती होने वाली है। राज्य में धान की सरकारी खरीद का आंकड़ा बढ़ता नहीं दिखाई दे रहा है। सरकार पिछले कुछ सालों से 30 लाख टन धान खरीद का लक्ष्य तय करती है, लेकिन वास्तविक खरीद 20 लाख टन से अधिक कभी नहीं हो पा रही है। हालांकि सरकार का यह लक्ष्य सांकेतिक होता है। 3 साल पहले धान खरीद का आंकड़ा काफी गिर गया था, यह आंकड़ा 12 लाख टन पहुंच गया था, लेकिन उसके बाद स्थिति सुधरी है तो लगभग 18 से 20 लाख टन खरीदारी होने लगी है। बावजूद इसके लाभ लेने वाले किसानों की संख्या 2 से 2.5 लाख के बीच ही होती है। बिहार में हाईवे पर होगी बेहतरीन निगरानी। बिहार में स्टेट हाईवे पर होने वाले सड़क हादसों को कम करने के लिए सड़कों पर चलने वाले वाहनों की गति की निगरानी शुरू की जाएगी, जिसके बाद स्पीड नियंत्रण करने वाले उपकरण और कैमरे से कई स्थानों पर इसकी निगरानी हो रही है। परिवहन विभाग ने कुछ और स्थानों पर कैमरा लगाने का अधिक से अधिक गाड़ियों की रफ्तार को आंका जा सकता है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार सड़क हादसों को कम करने के लिए नेशनल और स्टेट हाईवे पर पेट्रोलिंग की जाएगी। परिवहन विभाग के अधिकारी तकनीकी सहायता से वाहनों की गति की निगरानी करेंगे। इसके पीछे विभाग की मंशा है कि NH या SH पर अधिक तेज गति से गाड़ी चलाने वालों पर सख्ती से पेश आ जाए। इस काम में परिवहन विभाग CID की भी मदद लेगा। आयुष्मान भारत योजना के तहत बिहार के 5 करोड़ गरीबों को राहत। आयुष्मान भारत योजना के तहत बिहार में लगभग 5 करोड़ गरीबों को राहत मिली है। जानकारी के अनुसार बिहार में 5 करोड़ गरीबों को मेदांता अस्पताल में इलाज कराने की बेहतर सुविधा जल्द मुहैया करवाई जाएगी। पटना में संचालित सुपर स्पेशलिटी अस्पताल मेदांता में आयुष भारत योजना के तहत निबंधित गरीब परिवार अपना इलाज आसानी से करवा सकते हैं। इस नवनिर्मित अस्पताल में अभी आउटडोर की सुविधा दी जा रही है, अगले 2 महीने में यहां इंडोर इलाज भी शुरू हो जाएगी। लव जिहाद पर गिरिराज सिंह के बयान से जदयू हुई असहज। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह ने शनिवार को लव जिहाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी, जिसके तहत उन्होंने कहा था कि आज हिंदू की लड़कियों को लव जिहाद में फंसाकर हमारे धर्म पर चोट किया जा रहा है, अब लव जिहाद पर कानून बनाने की जरूरत है। हालांकि उनके इस बयान से बिहार में NDA के घटक दल जदयू की परेशानी बढ़ गई है। इतना ही नहीं, उनके इस बयान पर जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया पेश करते हुए कहा है कि किसी एक व्यक्ति के बयान को तवज्जो देना नहीं चाहिए। बिहार में सांप्रदायिक सौहार्द और शांति है, इस पर कुछ बोलने का मतलब नहीं है। इस बार बिहार में 1868 रुपए की दर से होगी धान की खरीदारी।
बिहार में धान खरीद जल्द शुरू होने वाला है। इस बार थोड़ी देर से भले ही धान की खरीदारी शुरू हुई है, लेकिन एक हफ्ते में इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार साधारण धान की कीमत इस बार 1868 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है, वहीं पिछले साल धान की कीमत 1815 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई थी। इस तरह धान खरीद की दर में इस बार 53 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। राज्य में धान की खरीदारी 15 नवंबर से शुरू हो जाती है। यह मुहिम 30 मार्च तक चलती है, लेकिन इस साल चुनाव के कारण इसमें थोड़ी देरी हुई है। हालांकि पुरजोर खरीद हर साल दिसंबर के बाद से ही शुरू होती है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कोविड-19 के माहौल में मोदी सरकार के कामकाज को बताया जीत का कारण। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत के लिए भले ही अलग अलग फैक्टर को तलाशे जा रहे हों, लेकिन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एनडीए की जीत का सारा श्रेय भाजपा को दिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि कोविड-19 के माहौल में मोदी सरकार ने देशवासियों के लिए जो काम किया है उसी का नतीजा था कि बिहार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को जीत हासिल हुई है। जेपी नड्डा ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में जो चुनाव हुए हैं उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कोविड-19 प्रबंधन को लेकर उठाए गए कदम पर जनता ने मुहर लगा दी है। उन्होंने अपने बयान जारी करते हुए कहा कि जब कोविड-19 के कारण लोग परेशान थे, रोजगार छिन रहा था, उस दौरान मोदी सरकार ने कई बड़े फैसले किए। लॉकडाउन के बीच लोगों तक मदद पहुंचाई गई है, इसके साथ ही उन्हें वापस भी घर पहुंचाया गया। भारती सिंह के पति हर्ष लिम्बाचिया को भी पुलिस ने लिया हिरासत में। एनसीबी ने कमेडियन भारती सिंह के बाद उनके पति हर्ष लिम्बाचिया को भी हिरासत में ले लिया है, जिसकी पुष्टि एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने की। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, एनसीबी की टीम ने भारती और हर्ष के घर पर छापेमारी की थी, जिसके बाद उनके घर से कुछ मात्रा में गांजा बरामद किया गया था, जिसके बाद भारती और हर्ष को पूछताछ के लिए समन जारी किया गया था। समन जारी होने के बाद भारती और हर्ष एनसीबी के दफ्तर पहुंचे थे, जहां दोनों ने इसके सेवन करने की बात कबूल ली थी, जिसके बाद ही भारती और हर्ष को हिरासत में ले लिया गया, जिसके बाद आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। बिहार विधान परिषद के 8 नव निर्वाचित सदस्यों ने आज ली शपथ। बिहार विधान परिषद के 8 नव निर्वाचित सदस्य आज शपथ ले ली है, जिसके बाद आज दोपहर लगभग 12:30 बजे विधान परिषद सभागार में कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह नव निर्वाचित सदस्यों को उन्होंने शपथ दिलवाई है। नई शपथ समारोह के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत अन्य मंत्री विधायक भी मौजूद रहे। नए सदस्यों में जदयू भाजपा और भाजपा के 2-2 सदस्य जीत कर आए हैं। शिक्षक और स्नातक कोटे में 8 सदस्य 12 और 13 नवंबर को चुनकर आए हैं, जिसमें नीरज कुमार, देवेश चंद्र ठाकुर, सर्वेश कुमार, डॉक्टर एनके यादव, नवल किशोर यादव, संजय कुमार सिंह, केदारनाथ पांडे, मदन मोहन झा का नाम शामिल है। आज बिहारी पोथरी स्पेशल में हम बात करेंगे लक्ष्मीकांत झा और सुलेमान नदवी की। लक्ष्मीकांत झा का जन्म आज ही के दिन बिहार के दरभंगा जिले में हुआ था। लक्ष्मीकांत झा MBE दरभंगा जिला बिहार में पैदा हुए झा के रूप में उन्हें बुलाया गया था। 1 जुलाई 1967 से 3 मई 1970 तक भारतीय रिजर्व बैंक के 8वें गवर्नर थे। वहीं सुलेमान नदवी का जन्म आज ही के दिन बिहार में हुआ था। सुलेमान एक पाकिस्तानी इतिहासकार, लेखक और इस्लाम के विद्वान थे। उन्होंने सरीत अन नबी का सहलेखन किया और खुतबत ए मद्रास लिखा। छठ के बाद सामान्य से 3 गुना अधिक हो गया वापसी का विमान किराया। छठ के बाद पटना से देश के विभिन्न महानगरों में वापसी का विमान किराया सामान्य से 3 गुना बढ़ गया है। 22 से 24 नवंबर के बीच दिल्ली का विमान किराया शनिवार रात 9 बजे सामान्य से 2 गुना था, जबकि इसी अवधि के लिए मुंबई का 1.5 गुना किराया ज्यादा था। कोलकाता का 22 नवंबर का किराया नियंत्रण किराया था लगभग 4 गुना, जबकि 23 और 24 नवंबर को 3 गुना हो गया था। इसी अवधि में हैदराबाद का किराया सामान्य से 1.5 से 2.5 गुना के बीच, जबकि चेन्नई और बेंगलुरु का लगभग 1.5 गुना किराया ज्यादा था, जिससे यात्रियों की जेब पर काफी ज्यादा असर देखने को मिला। बिहार में अगले 2 दिनों में गिरेगा पारा। बिहार में कई जिलों में बादल छाए रहने से पिछले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में कोई खास गिरावट नहीं दर्ज की गई है। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अगले 24 से 48 घंटे में तापमान 1 से 2 डिग्री नीचे आ सकता है। सुबह में उत्तर पश्चिमी दिशा में आ रही ठंडी हवा का आना जारी है, लेकिन बादलों के होने से रात के तापमान में इसका कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा है। मौसमविदों ने साफ कहा है कि नवंबर के अंत तक कड़ाके की ठंड के आसार नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना का आकलन है कि दोबारा एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। यह पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी की वजह से बनता है। बर्फबारी के 1 से 2 दिनों बाद इसका असर मैदानी इलाकों में देखने को मिलता है। ऐसे में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले 4 से 5 दिनों में इस मौसमी सिस्टम का असर बिहार के मौसम पर भी पड़ेगा। एबी डिविलियर्स के इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी को लेकर मार्क वाउचर ने जारी किया अपना बयान। आईपीएल 2020 में अपनी बल्लेबाजी से सबका ध्यान आकर्षित करने वाले एबी डिविलियर्स के इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी को लेकर साउथ अफ्रीका के मुख्य कोच मार्क वाउचर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि एबी के साथ कोविड-19 से पहले बात चल रही थी। वो हमेशा ही चर्चा में रहते हैं जब वो अच्छी क्रिकेट खेलते हैं। अगर मैं सच कहूं आपसे, आगे के लिए मैंने उनसे अभी तक कोई चर्चा नहीं की है। वो आईपीएल में खेल रहे थे और उनका आईपीएल काफी अच्छा भी गया है। एबी डिविलियर्स रिटायरमेंट के बाद भी आईपीएल में लगातार अच्छा खेलते नजर आए हैं और अगले साल होने वाले टी20 विश्व कप
को देखते हुए साउथ अफ्रीका की टीम डिविलियर्स से बातचीत कर सकती है। गौर करने की बात यह है कि मई 2018 में डिविलियर्स ने संन्यास लेते हुए कहा था कि वो काफी थक चुके हैं और आराम करना चाहते हैं। वहीं विश्व कप 2019 से लगभग एक साल के लिए उनके इस फैसले ने हर किसी को चौंका दिया। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में सरकार का कदम सराहनीय रहा है या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।